फ्रेंड्स रूबी जाके किचन में आप लोग का स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे से हो और रहना भी चाहिए। तो आज देखिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी हम बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट, टिफिन के लिए, हम लंच बॉक्स के लिए बच्चे के लिए तैयार कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया अमेजिंग सा डिश बन के तैयार हो चुका है। आप लोग इसको ब्रेकफास्ट में खाइए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग लगेगा। आप कहेंगे पहले हम क्यों नहीं ये रेसिपी देखे। यहाँ पर सब्जी से भरपूर यहाँ पर मैं सब्जी और यहाँ पर मैं देखिए सूजी से हम बिल्कुल हेल्दी नाश्ता बना दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया, यहाँ पे बिल्कुल तेल मसाला कुछ नहीं। यहाँ पे हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से कितना बढ़िया, यहाँ पे देखिए आप देख सकती हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरह से आप इसको डिप करिए और उसके बाद खाइए, कितना अमेजिंग लगेगा। और फैंस आप सोच रहे हैं मेरा हाथ लाल क्यों है, तो हम बाल में मेहंदी लगाए तो इसीलिए ये मेरा हाथ जो है वो बिल्कुल लाल हो गया है। तो चलिए फिर से मिलेंगे, बाय बाय। तो आज देखिए फ्रेंड्स, आज हम बच्चे के ब्रेकफास्ट के लिए, टिफिन के लिए बहुत ही हेल्दी नाश्ता हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक कप सूजी ले लिए हैं। तो सूजी हम आप बारीक लीजिए या मोटा लीजिए, यहाँ पे हम थोड़ा बारीक सूजी ले लिए हैं। तो यहाँ पे हम एक कप सूजी लिए हैं और यहाँ पे हम एक कप सूजी हम और डालेंगे। देखिए हम एक कप सूजी हम और डालेंगे। यहाँ पे दो कप पूरा हम दो कप सूजी ले लिए हैं। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम एक कप यहाँ पे हम दही ले लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए दही को हम अच्छे से फेंट लिए हैं। अब यहाँ पे हम दही डाल लेंगे। और अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर में मीठा सोडा ले लिए हैं। तो यहाँ पे हम आधा चम्मच यहाँ पे मीठा सोडा डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम भरपूर यहाँ पर में सब्जी ले लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले हम शिमला मिर्च ले लिए हैं, बारीक कटा हुआ, बारीक कटा हुआ हम दो यहाँ पे हरी मिर्च ले लिए हैं। मिर्च बच्चे तीखे नहीं पसंद करते हैं तो मत डालिएगा। यहाँ पे हम दो प्याज काट लिए हैं, छोटे 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 साइज का प्याज था तो हम यहाँ पे दो प्याज काट लिए हैं। अनियन यहाँ पे हम थोड़ा सा गाजर काट लिए हैं, तो हम एक छोटा सा गाजर लिए थे तो इसको भी हम इसमें काट दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए हम एक टमाटो ले लिए हैं, तो हम टमाटो भी काट दिए हैं इसमें। और अब यहाँ पे धनिया पत्ती है, ढेर सारा हम धनिया पत्ती डाल दिए हैं। थोड़ा सा हम हरी वाली यहाँ पर में प्याज की पत्ती डाल दिए हैं, जरा सा डाले हैं, ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो मत डालिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर में एक टीस्पून, यहाँ पर में दो टीस्पून हम चीनी ऐड कर दिए। ये डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और बच्चे के टिफिन में आप देंगी तो बच्चे तुरंत टिफिन फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा दही हम और ऐड कर लिए हैं, दही को हम देखिए पहले से ही हम फेंट लिए थे। तो अब यहाँ पे हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद यहाँ पे 10 मिनट हम यहाँ पे इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए सूजी। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक कप पानी ले लिए हैं। तो यहाँ पे हम ये दही वाले ही कप में हम पानी ले लिए हैं। तो यहाँ पे सूजी है तो सूजी फूलता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे हम पानी ऐड करके उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको हम फूलने के लिए डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हम इसको मिक्स कर ले थोड़ा अच्छे से। आप चाहे तो इस जगह पे थोड़ा सा हल्दी भी ऐड कर सकती हैं, हम डालेंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में डालेंगे। तो अब देखिए एक कप पूरा पानी हम इसमें डाल दिए हैं। तो अब चलिए इसको हम 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख दें। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुका है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा हम हरी मटर डाल देंगे। मटर को हम थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दिए थे और 10 मिनट डाल के हम इसको छोड़ दिए थे। अब यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया, तो अब यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर में मेरा जो यहाँ पर में देखिए ये बैटर है। तो यहाँ पे बैटर कितना बढ़िया तैयार हो चुका है। और देखिए जितना भी इसमें है सब पौष्टिक आहार है, बच्चे के टिफिन में दीजिएगा, आप लोग यहाँ पर में नाश्ता में बनाइए इसको, ब्रेकफास्ट में।
तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम हल्का हल्दी डाल देंगे, इससे कलर आप, ये ऑप्शनल है, आप डालना है तो डालिए नहीं तो मत डालिएगा। हम हल्का सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए पैन हम चढ़ा लिए हैं, आप चाहे तो तावा पे भी बना सकती हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा, इसमें ज़्यादा हम तेल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे, रिफाइन ऑयल ले लिए हैं, आप चाहे तो इस जगह बटर भी डाल सकती हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको फ्रेंड्स इस तरह से हम डाल लेंगे, यहाँ पे हम भर के 3 चम्मच डाल दिए हैं और यहाँ पे हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम इसको फैला देंगे, इस तरह से हम फैला लेंगे। गैस हम बिल्कुल अभी मीडियम में रखेंगे। तो अब चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, तो ऊपर से देखिए फ्रेंड्स हम थोड़ा सा इसमें हम लाल वाली हम यहाँ पे मिर्च डाल देंगे, यहाँ पे ये तीखी वाली नहीं है, यहाँ पे ये हम काश्मीरी मिर्च ले लिए हैं। और अब थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे कस्तूरी मेथी ले ली है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है, इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करिए। और अब हम यहाँ पे थोड़ा देर के लिए इसको हम कम से कम 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, में 2 मिनट के लिए ढक के इसको हम छोड़ देंगे। हो चुका है अब यहाँ पे हम, तो ये देखिए कितना बढ़िया से मेरा यहाँ पर में देखिए ये फूल चुका है। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से पलट लेंगे, तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पर में कितना बढ़िया कलर आया है। तो हम थोड़ा सा हम इधर से भी इसको सेक लेंगे अच्छे से और देखिए बिल्कुल ये क्रिस्पी जैसे लग रहा है, बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। हम यहाँ पे अब हम इसको भी हम आगे से पलट लेंगे, तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया और कितना सुंदर आप लोग के लिए यहाँ पर में देखिए तैयार हो चुका है नाश्ता, ब्रेकफास्ट, बच्चे का टिफिन। तो चलिए हम प्लेट में इसको निकाल ले। तो अब यहाँ पे देखिए हम, यहाँ पे देखिए इस तरह से हम प्लेट में हम इस तरह से सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हो चुका है। अब चलिए हम क्या करेंगे, तो अब इसी तरह से हम थोड़ा सा ऑयल हम फिर यहाँ पे इस तरह से हम लगा देंगे, ज़्यादा नहीं, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे बैटर डाल लेंगे। यहाँ पे देखिए काश्मीरी मिर्च डाल देंगे, इससे कलर बहुत ही, आप चाहे तो इस जगह पे थोड़ा सा चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे चीज़ का इस्तेमाल नहीं किए हैं, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसको हम ढक देंगे फिर हम यहाँ पर में 2 मिनट के लिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये दूसरा बैच भी, ये दूसरा वाला भी देखिए कितना बढ़िया से यहाँ पे देखिए बन चुका है। तो अब चलिए हम इसको भी हम प्लेट में यहाँ पर में देखिए हम इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो अब आप लोग देख सकती हैं कितना सुंदर यहाँ पर मैं देखिए हल्दी नाश्ता बनके तैयार हो चुका है ब्रेकफास्ट में। तो चलिए हम यहाँ पर मैं आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आप लोग के लिए यहाँ पर मैं हेल्दी नाश्ता बच्चे के टिफिन बॉक्स के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ पे हम टमाटो केचप के साथ यहाँ पे हम सर्व कर दिए हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा पुदीना का पत्ता डाल दिए हैं, ये हम अपने बगीचा में लगाए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी अमेजिंग डिश है ये। बच्चे के टिफिन में आप जब बना के देंगी तो ये देखिए कितना ये स्पॉन्जी है और कितना हेल्दी बन के तैयार हो चुका है, इस तरह से आप देख सकती हैं। यहाँ पे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं और बिल्कुल इसमें देखिए ज़्यादा ना तेल ना ज़्यादा रिफाइंड कुछ ज़्यादा नहीं लगा है, बिल्कुल यहाँ पर मैं हेल्दी सा नाश्ता बनके तैयार हुआ है और बच्चे तुरंत टिफिन फिनिश कर लेंगे। आप ज़रूर उनको, आज हम बच्चे के लिए ही ये रेसिपी बनाए हैं ताकि उनको टिफिन में आप ज़रूर दीजिए और बच्चे खा के इंजॉय करें और बहुत ही मज़ा आएगा बच्चे को खा करके। तो चलिए फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ प्लीज़।
और जितना हो सके उतना शेयर करिए। नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह हम नई रेसिपी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टिक के बाय बाय।